सब्सक्राइब कीजिए बीइंग डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीइंग डॉक्टर। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि आपने देखा होगा, मैंने कहा था कि अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिला, आपका अच्छा प्यार मिला, तो यार मैं जो है RPUT 2019 का कट ऑफ के बारे में प्लस 2020 में क्या कट ऑफ रहने वाली RPVT की, उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार कि आप सभी का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है उस वीडियो पे, ठीक है। आपके अच्छे लाइक्स आ रहे हैं और कमेंट्स भी आपने करे हैं, आपके काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे मेरे पास इस टॉपिक से रिलेटेड कि सर आप बताइए उसके कट ऑफ 2019 का कट ऑफ क्या रहा था और 2020 में क्या कितने मार्क्स पर कॉलेज मिलने की संभावना है। तो दोस्तों, आपके कुछ कमेंट्स आपको बता देता हूँ मैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके कुछ कमेंट्स आए हैं, जैसे RPUT 2020 में OBC स्टूडेंट को गवर्नमेंट सीट के लिए कितने नंबर लाने होंगे, प्लीज़ सर आप जवाब देना। हालांकि दोस्तों, आपको पता ही है मैं काफ़ी सारे आपके कमेंट्स का जवाब देता हूँ कमेंट्स बॉक्स में। ये मेरे चैनल की सबसे अच्छी खासियत है कि यार मैं जो हूँ आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब कमेंट्स में देता हूँ। तो आपको जो भी समस्या हो आप कमेंट कर कीजिए, आप ही का चैनल है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार सबके सवालों का जवाब मिल जाए। जैसे आप देख सकते हैं कट ऑफ कितनी जाती है इसकी, प्लीज़ रिप्लाई। सर पेमेंट वाली जो सीट है उसके बारे में भी, कट ऑफ के बारे में पूछा है एक ने। और सर जी मैं OBC कैटेगरी से हूँ सर, कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। और सर मैं MBC से हूँ, कट ऑफ क्या रहेगी एग्ज़ाम की, क्या होगा प्लीज़। तो आपके इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और आपको कैटेगरी वाइज मतलब आपको कट ऑफ में बता दूंगा कि जनरल में क्या रहेगी, इवन EWS में क्या रही थी, मतलब 2019 में कट ऑफ जनरल की और EWS की अलग से, और प्लस MBC की भी बताऊंगा मैं, SC ST सभी कैटेगरी की अलग अलग जितनी भी कट ऑफ रही थी, कितने मतलब नंबरों पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिली है। राजस्थान में अभी फ़िलहाल तीन मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी के, राजूवास के, जो कि गवर्नमेंट के हैं। तो उन तीनों में कितनी लास्ट सीट मिली है कितने मार्क्स पर, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा 2019 में। और 2020 में क्या रहेगी कट ऑफ उसके बारे में भी मैं आपको लास्ट में इसके बताऊंगा। तो अगर देखिए पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा मेरा, ठीक है, RPUT से रिलेटेड, तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा आई बटन पर, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड जो है बात कि इस वीडियो को एंड तक देखिए, कुछ स्किप मत कीजिए, ताकि यार आप क्या नॉलेज फिर जानकारी कुछ छूटती है बीच में, आप फिर कुछ अलग से अलग अनुमान लगाते हो, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना आपको। और इस चैनल की एक खास बात यही है कि यार इस पर आपको कोई भी जानकारी ऐसे उड़ी उड़ी नहीं मिलेगी, मतलब कोई एकदम सटीक जो हुआ है, जो कि कट ऑफ रही है, वही आपको दिखाई जाएगी, एकदम प्रमाणित है, ठीक है। तो आप भरोसा कर सकते हैं 100%। एंड यार आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार आप नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आप मतलब वीडियोज़ को मेरी देखते हैं, काफ़ी पसंद भी करते हैं, लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा तो लगता नहीं है यार दोस्तों, तो कुछ चीज़ें ही तो फ्री मिलती है। तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जो है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि सबसे पहले RPVT से रिलेटेड या फिर नीट से रिलेटेड आपके जितने भी मतलब अच्छे मतलब आपका जो है ये चैनल पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी का चैनल है, आप इसका इस पर प्राय अपना प्यार बनाए रखें। मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए बहुत अच्छा करने के लिए। आपने पिछली बार भी देखा होगा मैंने पूरी काउंसलिंग तक आपका जो है इसमें चैनल पे अपलोड की थी वीडियोस, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे वीडियोस, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे RPUT 2019 में क्या कट ऑफ रहा था, किस कितने मार्क्स पर मतलब गवर्नमेंट कॉलेज की लास्ट सीट मिली थी हर कैटेगरी वाइज, मैं आपको इसमें बता दूंगा। उसके बाद हम बात कर लेंगे 2020 में क्या अनुमान है कट ऑफ रहने का, अनुमानित कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लग रही है। मैंने पिछले 2018 का कट ऑफ को देखा है और 2019 के कट ऑफ को भी देखा है, तो उस हिसाब से अनुमान लगा रहा हूँ कि इतना रहना चाहिए, तो उसके बारे में हम लास्ट में इसके बाद बात करेंगे। तो आप स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए वीडियो उसको। तो सबसे पहले कॉलेज है RPUT 2019 CVS बीकानेर जो कॉलेज है, उसमें वेटनरी कॉलेज में रेगुलर सीट कितने मार्क्स पर मिलती है और पेमेंट सीट कितने मार्क्स पर मिलती है वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है जनरल कैटेगरी जो है रेगुलर सीट के लिए जो मिली है मार्क्स 455 लास्ट गई है इसकी, ठीक है, और पेमेंट जो है 376 मार्क्स पर लास्ट सीट। नेक्स्ट है EWS में 443 गई है रेगुलर के लिए और पेमेंट के लिए 278। OBC के लिए 463 मार्क्स पर एंड पेमेंट के लिए 325 मार्क्स पर लास्ट सीट मिली है।
एमबीसी कैटेगरी के लिए 436 मार्क्स पर, रेगुलर सीट एंड पेमेंट सीट के लिए 138 मार्क्स पर लास्ट गई है मेरिट। एससी कैटेगरी के लिए 360 मार्क्स पर रेगुलर एंड पेमेंट के लिए 263 मार्क्स पर मिली है। एसटी कैटेगरी में 112 पर रेगुलर सीट और पेमेंट सीट एक जो है 50 मार्क्स पर ही मिल गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं कट ऑफ कम ज़्यादा होती रहती है यार हर साल। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट सीट कितने कम मार्क्स पर मिल चुकी थी, मतलब 720 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें से मार्क्स हैं आपके कि आपको 455 नंबर पर आपको जो है सीट ये मिल जाएगी। नेक्स्ट कॉलेज बात कर लेते हैं हम, PGIVER जयपुर, तो जयपुर में है ये गवर्नमेंट कॉलेज। तो उसमें जनरल कैटेगरी में जो है 472 गई थी रेगुलर के लिए और जो है पेमेंट जो है 378 मार्क्स पर। EWS के लिए 424 मार्क्स पर रेगुलर सीट मिली थी और पेमेंट जो है 301 मार्क्स पर लास्ट जो है सीट मिली थी। उसके बाद OBC कैटेगरी में 31 नंबर पर जो है मार्क्स पर लास्ट सीट मिली थी रेगुलर वाली और पेमेंट वाली 253 मार्क्स पर मिली थी। MBC जो है 260 नंबर पर मिली थी और पेमेंट वाली सीट 204 नंबर पर मिली थी। SC कैटेगरी रेगुलर सीट जो है 335 नंबर पर मिल गई थी और पेमेंट सीट 239 नंबर पर मिल गई थी। ST कैटेगरी के लिए रेगुलर सीट 113 नंबर पर गई थी मेरिट और पेमेंट सीट के लिए 82 नंबर पर। नेक्स्ट कॉलेज आता है CVAS नवानिया उदयपुर, इसकी भी देख लेते हैं हम। तो जयपुर के बाद जो है उदयपुर को प्रेफर करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, अपनी चॉइस पर आप जो है कर सकते हैं। तो इसकी जो है जनरल कैटेगरी के लिए रेगुलर सीट जो है 424 नंबर पर मिली है और पेमेंट सीट जो है 307 नंबर पर थी 2019 का जो है ये था मेरे को। EWS कैटेगरी के लिए जो है रेगुलर सीट 394 नंबर पर मिली थी और पेमेंट सीट 135 नंबर पर लास्ट मिली थी। OBC कैटेगरी के लिए रेगुलर सीट 408 नंबर पर मिली थी और पेमेंट जो है 280 नंबर लाने थे, 280 720 में से, तो इतने पर गई थी लास्ट में। MBC कैटेगरी के लिए 432 पर रेगुलर मिली थी एंड पेमेंट सीट के लिए 233 नंबर पर लास्ट मिल गई थी। SC कैटेगरी के लिए 327 और 235 नंबर पेमेंट के लिए, और ST कैटेगरी के लिए 144 मार्क्स चाहिए थे रेगुलर के लिए और पेमेंट के लिए ओनली 16। यार दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत कम है ये, मतलब, पर दोस्तों ऐसा नहीं है, आप देखना आप कभी, मतलब जैसे देखेंगे 2000, वहीं आप 2018 का कट ऑफ देखते तो यार वो थोड़ा हाई गया था 2019 से, ठीक है, वहीं 2017 का भी थोड़ा हाई गया था। तो यार ये ऐसा कुछ नहीं है, पेपर का लेवल कैसा रहता है और जो है कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, कितने वो सभी फैक्टर मतलब इसको अफेक्ट करते हैं, तो कभी कम ज़्यादा होता रहता है लेकिन, ठीक है। तो ये जो था 2019 में ये स्थिति थी, जो ये जो कट ऑफ मैंने बताई है दोस्तों वो ऑफलाइन जो काउंसलिंग होती है लास्ट वाली काउंसलिंग उसके बाद की कट ऑफ है ये, ठीक है। उससे पहले वाले राउंड में थोड़ा हाई रहता है लेकिन जो ऑफलाइन काउंसलिंग में लास्ट सीट मिली है वो इतने मार्क्स पर मिल गई है। तो यार किसी की किस्मत चल जाती है, किसी की किस्मत नहीं चलती, ठीक है, तो वो आप पर है। तो भी मैंने जो है ऑफलाइन जो सबसे लास्ट वाला राउंड होता है वो दोस्तों ये उसी की कट ऑफ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उससे अनुमान लगाकर अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि 2019 में इतनी गई थी, अपना जो है उसी लेवल की अच्छे से तैयारी करके 2020 में आप जो है अच्छा पेपर क्रैक कर सकते हैं और अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज की मैं इसलिए नहीं बता रहा दोस्तों क्योंकि यार जब गवर्नमेंट की ही इतनी है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उससे तो कम ही जाएगी प्राइवेट की कोई सी भी कॉलेज हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ही वैसे आपको टारगेट लेना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आपका जो है गवर्नमेंट में हो जाए। तो दोस्तों आपको रेगुलर पेमेंट दोनों की पता चल गई। अब बात कर लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड रहने वाली है 2020 में कट ऑफ, ठीक है। तो दोस्तों 2020 के कट ऑफ के लिए बात कर लेते हैं हम। पहले जनरल कैटेगरी की जो अनुमान है, जो रेंज रहने वाली है वो 455 से लेकर 470 नंबर पर रेगुलर सीट का अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने नंबर पर आपको मिल सकता है, श्योर हो सकता है सिलेक्शन, ठीक है। और पेमेंट सीट के लिए 350 से 370 के बीच नंबर पर आपका हो जाएगा, मतलब इसमें आपको जो है EWS और मतलब वो सब मैं अलग नहीं बता रहा इसमें क्योंकि जो है EWS की कितनी सीटें रहती है वो उसका अनुमान अलग रहता है। तो मैं हालांकि जनरल के लिए उसमें EWS भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो आप इतने नंबर ला सकते हैं, आप पेमेंट और रेगुलर के लिए देख सकते हैं, तो उस पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों आप सोचेंगे कि यार जो है 2019 में तो यार कट ऑफ काफ़ी कम था तो ये मैंने रेंज ज़्यादा क्यों बताइए, तो आपको बताया तो यार 2018 की जो बात करते हैं RPUT 2018 की है ना, तो
उसमें जनरल में रेगुलर सीट 470 पे ख़त्म हो गई थी, मतलब 470 नंबर पर ही रेगुलर सीट ख़त्म हो गई थी। यानी आप देख सकते हैं कि 2018 में कितनी हाई गई थी मेरिट और 2019 में कितनी कम गई है। तो यार ये तो कम ज़्यादा होता रहता है, इसलिए एक सेफ मार्क्स आपको जो बता रहा हूँ वो यही रेंज है, ठीक है ना। तो आपको इसके बीच में स्कोर करना होगा। वहीं OBC की देख लेते हैं तो 435 से 450 के बीच आपको रेगुलर सीट मिलने का पूरा अनुमान है। पेमेंट सीट के लिए 320 से 350 तक आप जो है स्कोर करिए, आपको आराम से मिल जाएगी। SC कैटेगरी के लिए 300 से 310 पर रेगुलर सीट एंड पेमेंट सीट के लिए 230 से 250 के बीच में कट ऑफ रहने का अनुमान है। ST कैटेगरी के लिए 260 से 280 और पेमेंट के लिए 200 से 220, हालांकि इससे कम भी रह सकती है। ऑफलाइन काउंसलिंग में अगर आप लास्ट तक कराते हैं तो यार कई बार किस्मत चल जाती है आप लोगों की, तो यार वहाँ तक मैं चाहता हूँ कि वहीं तक कराया करें काउंसलिंग, बीच में हो सकता है कभी आपको मतलब सीट मिल जाए, ठीक है ना। तो ये था यार अनुमानित कट ऑफ। तो दोस्तों यार आपको बता देता हूँ पहले कि यार ये जो है ये एक्चुअल कट ऑफ जो होता है इसका वो वेरी कर सकता है, क्योंकि यार अभी आपका पेपर तो हुआ नहीं, तो आपका पेपर का लेवल कैसा था और कितने मतलब स्टूडेंट्स ने ये पेपर दिया है, तो उस लेवल पे आपको जो है आपकी कट ऑफ का जो है बनाया जाता है। तो यार अभी पेपर भी नहीं हुआ और रिजल्ट भी नहीं आया, तो एक्चुअल रिजल्ट जो है एक्चुअल जो कट ऑफ क्या रहती है वो तो यार आप सभी को पता है काउंसलिंग के बाद ही पता चलती है। पर ये जो कुछ मैंने स्टडी करी अच्छे से, मतलब कि 2018 में पिछले ईयर में रही थी इतनी कट ऑफ, 2017 में ऐसे रहा था, तो उस बेसिस पर मैंने आपको काफ़ी रिसर्च करी है, उसके बाद ये कट ऑफ रेंज बताई है, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से अपना जितना ज़्यादा हो सके उतना स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए, आप अच्छे से करिए, तैयारी करिए, और ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से आपको, बेस्ट विशेष है ताकि आप अच्छे से स्कोर करें, अच्छे से उसमें अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लें, ठीक है। आप में से कई स्टूडेंट नीट की भी तैयारी करें तो उनके लिए भी ऑल द बेस्ट है, ठीक है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कोई भी आपका कोई सवाल तो आप मुझे कमेंट करिए नीचे, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। और प्लीज़ लाइक करिए वीडियो, पसंद आई तो शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसका ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा हुआ, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो है आगे भी आपको कुछ वीडियो RPUT से रिलेटेड मैं निकालूंगा, तो आपको जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।